वेलकम टू स्पेश कानपुर, मैं शिवम गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे वेक्टर कैलकुलस। ओके, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम नजदीक है और ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है और वहां पर लगभग इसका एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बात है वेक्टर कैलकुलस। ओके, तो वेक्टर कैलकुलस के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसी कैलकुलस है जो हमें वेक्टर्स पे करनी है। ओके, अब वेक्टर पे कैलकुलस कैसी होती होगी? तो कैलकुलस में आप लोग ऐसे जनरली देखें तो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है कि वेक्टर पे हमें डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि एक कोई भी पॉइंट है, ओके, एक कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं ओरिजिन है और इससे ये जो वेक्टर है, वेक्टर है आर। क्या है? वेक्टर आर, ठीक है। और वेक्टर आर को अगर हम थोड़ा सा रोटेट करें, जो कि रोटेट करने में टाइम लेता है टी, ओके, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर प्लस डेल्टा टी। ओके, आर प्लस डेल्टा टी हो जाएगा अगर हम लोग इसको करें, या फिर क्या बोल सकते हैं, आर प्लस डेल्टा टी, या फिर हम बोले कि यहां से यहां तक आने में टाइम टी लेगा। ओके, टाइम क्या लेगा? स्मॉल टी, बहुत ही छोटा टाइम लेगा और ये वेक्टर हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। ओके, अभी क्या था? आर था, अब क्या हो गया? आर प्लस डेल्टा आर। बात समझ में आई? तो ये वेक्टर कैलकुलस है कि मतलब हल्का सा टाइम इंटरवल चेंज होता है तो वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये एक आपका देखेंगे इस टाइप से कर्व बन जाएगा, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई भी वेक्टर आर आपको दिया जाता है और उसका आप क्या करें कि विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर दें, कोई भी वेक्टर आर दिया गया उसका विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अ वेक्टर विच इज टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर आर है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? यहां से हमें मिल जाएगा एक परपेंडिकुलर या फिर टेंजेंट वेक्टर की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो हमने समझा यहाँ पर कि वेक्टर कैलकुलस का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन। बट डिफरेंशिएशन जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, डिफरेंशिएशन एक यहाँ पर क्वेश्चन के मामले में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आप। तो एक क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू टू टी प्लस फाइव वेयर टी इज द टाइम। ओके, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ its velocity and acceleration at time t is equal to 1 in the direction टू आई प्लस 3j प्लस 6k। ओके, आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है अब पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। कौन सा कर्व है? कर्व है x इज इक्वल टू टी क्यूब, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टू टी प्लस 5, वेयर t इज द टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो अब जब इस कर्व के मूव कर रहा है तो हमने कर्व मान लिया कि कर्व हमारा है r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे कुछ कर्व है। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आप रख दें तो ये आ जाएगा टी क्यू प्लस
वन आई प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर जे और ये हो जाएगा टू टी प्लस फाइव के। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो हमें वेक्टर मिल गया इस कर्व के लॉन्ग, लेकिन अगर इसका कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ds अपॉन dt जो होता है वो वेलोसिटी होता है। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि वेग परिवर्तन की दर को या समय, वो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। ठीक है, तो जब दूरी बटे समय है तो चाल मिल जाएगी, मतलब वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से कैसे कर सकते हैं, dr अपॉन dt, तो t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर और 1 का हो जाएगा 0। ओके, यहां पर t स्क्वायर का हो जाएगा 2t j और यहां पर 2t का हो जाएगा 2k। ओके, अब लेकिन इसमें आपसे बोला क्या गया है कि at t is equal to 1 पे वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो ये v आ गया हमारा, vt हम यहां पर लिख ले v1 क्यों लिखा, वेलोसिटी एट टाइम 1। ओके, तो यहां पर 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3i plus 2j plus 2k। ओके, 3i plus 2j plus 2k, बात समझ में आ गई इतनी। लेकिन अब इसका भी यूज है, इसमें कहा गया इन द डायरेक्शन। ओके, मतलब क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी तो इतनी हो जाएगी लेकिन इसकी डायरेक्शन में होगी, तो इसकी डायरेक्शन लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर। ओके, इसका क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, 2i plus 3j plus 6k upon under root 4 plus 9 plus 36। ओके, 4 plus 9 plus 36, ये हो गया इसकी डायरेक्शन में, और होना क्या चाहिए, ये वाली वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर। ओके, ये किसका यूनिट वेक्टर है, इसका। तो हमने वेक्टर जब आपको पढ़ाया था पहले अदर एमसीए एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर बताया था कि जब भी आपको डायरेक्शन चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर बनाया। इसके अलोंग कंपोनेंट बताना है, तो इसके चाहे आप क्या करें, इसको डॉट प्रोडक्ट करा दे। ठीक है, तो यहां से जब आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 3i plus 2j plus 2k। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 दुनी 6 और 12 बटे ये कितना आ जाएगा, 36 और 4, तो ये 7 आएगा। ठीक है, तो 12 6 18 और 6 24 बटे 7। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 24 बटे 7, ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट। ओके, अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो गया एक पार्ट, दूसरा पार्ट हमें फाइंड करना है, यहां पर वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो दोबारा से जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे यहां पर, तो ये तो आंसर आप नोट कर लें। ठीक है, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6ti प्लस 2j प्लस 2k। ओके, अब ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, तो जब ये एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन a से लिख दें, टाइम 1। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो हमने फिर से वही काम करना है, 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 और 6i प्लस 2j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 12 बटे ये आ जाएगा 7। ओके, तो 12 दुनी 24 और 6 30 बटे 7, तो 30 बटे 7 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या भाई? ओके, गलत ये हो गया कि यहां पर जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, इसमें t है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा, तो ये 12 नहीं आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 बटे 7। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने बेसिकली इसलिए उठाया था कि आप डिफरेंशिएशन करना सीख जाए। बात समझ में आ गई? तो हमें कुछ नहीं करना था कि एक्सेलरेशन, जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन आए वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एक बार डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन करना है तो दो बार डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं एक क्वेश्चन और, उस क्वेश्चन से भी आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपका जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो आप ध्यान से देखें, उसमें आप ज्यादातर चीजें समझ जाएंगे। क्वेश्चन आपका है कि इफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व
if any point of the curve आपको यहां पर दिया जाता है x is equal to 3 cos t comma y is equal to 3 sin t और z is equal to 4 t z is equal to 4 t find a option आपको क्या find करना है tangent vector okay क्या find करना है tangent vector b क्या find करना है आपको unit tangent vector okay unit tangent vector और c क्या find करना है normal vector और d point find करना है unit normal vector बात समझ में आ गई एक क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में हमें तीनों चीजें फाइंड करनी है तो इसको हम कैसे करेंगे समझते हैं तो पहले तो हम लोग कर्व बना ले r is equal to xi plus yj plus zk तो r हमारा क्या हो जाएगा 3 cos t plus 3 sin t j i और plus 4 t k ओके अब हमें टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है तो हमने आपको बताया था कि कोई भी कर्व दिया गया है उसके पॉइंट पे तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो टेंजेंट वेक्टर ही आता है ओके तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग dr / dt तो आपको पता है कि हमें क्या मिल जाएगा टेंजेंट वेक्टर ओके तो ये आपका हो जाएगा -3 sin t i और ये हो जाएगा प्लस का 3 cos t j और प्लस 4 k ओके ये हमें टेंजेंट वेक्टर मिल गया मतलब पहला आंसर हमें मिल गया आगे कहा गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए हमने बताया कि उसमें हम लोग मॉडुलस से भाग कर देते हैं dr / dt कैप लगा दें यूनिट के लिए इसका मॉडुलस भी क्या करें फाइंड कर लें और उससे भाग कर दें तो 3 cos t + 4 k / अंडर रूट ये आ जाएगा माइनस ये माइनस 3 sin t 9 sin square t plus 9 cos square t plus 16 ओके इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -3 sin t plus 3 cos t plus 4 k upon अंडर रूट देखें यहां से अगर 9 कॉमन ले लेंगे आप तो ये आ जाएगा sin square t plus cos square t और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 तो 9 plus 16 हो जाएगा 25 25 का अंडर रूट 5 ओके तो यहां पर आपका मॉडुलस कितना आ गया 5 ओके तो ये हमें क्या मिल गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर बात समझ में आ गई ठीक है तो यहां पर जो हमें वेक्टर मिला वो मिल गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर अब हमें क्या फाइंड करना है नॉर्मल वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है आप इस चीज को समझें नॉर्मल वेक्टर ओके तो नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड होगा देखते हैं यहां पर नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है टेंजेंट का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू s ओके तो हमें मिल जाएगा लेकिन हमें टेंजेंट का s के रेस्पेक्ट में कर ही नहीं सकते क्योंकि टेंजेंट जो है ये है ठीक है और टेंजेंट में t है तो हम लोग क्या करें इसी चीज को ऐसे लिख लें dt / dt * dt / ds बात समझ में आई ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा ये हमें क्या मिल गया dt / ds फाइंड करना है ठीक है और dt / ds कैसे फाइंड करना dt का t के रिस्पेक्ट में और dt का ds के रिस्पेक्ट में तो ds / dt तो आपको ये दिख ही रहा है ds बोल दे या dr बोल दे ठीक है तो ds / dt हमें यहां से मिल जाएगा और उसके बाद में ठीक है तो t वेक्टर अगर देखें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा dt / dt dt / dt मतलब t है ये ठीक है टेंजेंट वेक्टर और उसका t के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा -3 cos t i ओके और ये आ जाएगा -3 sin t j ओके और ये 4 k का क्या हो जाएगा 0 तो ये हमें मिल गया dt / dt ओके अब आपको फाइंड करना है dt / ds तो dt / ds कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को समझते हैं तो dt / ds कुछ नहीं होता है बेसिकली यही है dr / dt तो यहां पर हम लोग रख देंगे dr / dt की वैल्यू तो dr / dt की वैल्यू कितनी है आपकी अगर ध्यान से हम लोग देखें dr / dt ओके
तो dr अपान dt जो ये आया था इसका मॉडुलस देखिए हम लोग का मॉडुलस कितना है 5, ठीक है। तो ये हमें dt अपान ds बोल लें या dr अपान dt, तो इसका मॉडुलस 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका फाइंड होके आ जाएगा, ठीक है। इसका भी मॉडुलस है उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मॉडुलस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 1/5 3i, ये हमने क्या किया, ये 5 कहां से आया आपको पता चला, ये 5 आया है इससे, ठीक है। या भाई ये बोल ले या ये बोल ले, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt / d मतलब टेंजेंट का t के रिस्पेक्ट में, तो टेंजेंट मतलब यूनिट टेंजेंट का t के रिस्पेक्ट में, तो ये यूनिट टेंजेंट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये हुआ और dt / ds की वैल्यू 1/5 हमें यहां से मिल गई, 1/5 हमने फाइंड कर ली, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा इसका पूरे क्वेश्चन का सलूशन हो गया, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट कांसेप्ट की भी, फिर देखते हैं कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो दो क्वेश्चन हमने दिए आपको और बताया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहां पर हमने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं जो भी हमने आपको पढ़ाया अभी उससे रिलेटेड, तो ये दो क्वेश्चन अपने आप करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पार्टिकल x = this y = this, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आप इसको लेंगे, इसका पहले x और y है तो इसको वेक्टर बना लेंगे r = xi + yj, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे t = 2 रखेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे t = 2 रखेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x = 2t² y = t² - 4t z = 3t - 5, where t is the time, find the components of velocity and acceleration, ठीक है। तो यहां पर कंपोनेंट फाइंड करना है तो पहले हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे पॉइंट रख करके, और फिर हम लोग क्या करेंगे कंपोनेंट के लिए हमने बताया था इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन में बोला गया है, और जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, बात समझ में आई। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं अपने आप।